દાદરનગર હવેલી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સેલવાસ નજીકના રખોલીની શાળા ખાતે બે દિવસીય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રદર્શનનો પ્રારંભ એજ્યુકેશનલ સેક્રેટરી ડોક્ટર એ એ મુથુમનાના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો આ પ્રદર્શનમાં સરકારી તેમજ ખાનગી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિજ્ઞાનના વિષય પર વિવિધ કૃતિઓ રજૂ કરી હતી दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव द्वारा आज से छत्तीसवीं जवाहरलाल नेहरू यूटी लेवल विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय एम उत्थमा मैडम एवं शिक्षा निदेशक महोदय नीलेष गौरव सर की उपस्थिति में इस विज्ञान प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ है प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी इस विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी में दादरा एवं नगर हवेली की विभिन्न विद्यालयों से लगभग एक जो एग्जीबिट है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे तीन दिवसीय इस इवेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ दो और इवेंट का भी आयोजन शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्कीम है इंस्पायर अवार्ड इसके तहत भी जो चयनित छात्र है उन्होंने नव मॉडल इस इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं साथ में भारत सरकार की योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी लगभग 110 जो एग्जीबिट है वो विभिन्न थीम के आधारित जिसमें कि अपर प्राइमरी सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूल्स के छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं एन की गाइडलाइन के हिसाब से इस तीन दिवसीय आयोजन में शिक्षकों के लिए पीरियडिक टेबल इस विषय आधारित एक दिवसीय सेमिनार का भी कल आयोजन किया जाएगा साथ में इस विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान निबंध प्रतियोगिता वाक प्रतियोगिता प्रश्न मंच प्रतियोगिता एवं विज्ञान के सिद्धांतों के आधारित जादुई प्रयोगों जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा कुल मिलाकर इस पूरी प्रतियोगिता में तीन इवेंट में लगभग 240 छात्र एवं छात्राएं अपने विज्ञान के जो इनोवेटिव आइडिया से उसे एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं